ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? यस सर, यस सर, अगर मौका मिले तो मुझे भी क्या करना, शेयर करना, ठीक है? कुछ टाइम और रुकते हैं। सुरेंदर पता है क्या, वो देश वाला गाना गाया था, ठीक है, ये अरिजीत सिंह नेशनल वाला सॉन्ग गाया करो आप लोग। हेलो वात्सल, ये बताओ अभी उत्तराखंड में क्या चल रहा है, ऐसे बारिश वगैरह हिमाचल में, ऐसे क्या चल रहा है? कुछ सर ऐसा तो नहीं ना कहीं डेली ज्यादा बारिश मेजर आ इश्यू, कहीं ऐसा कुछ है क्या, ज्यादा मेजर इश्यू है या फिर ज्यादा प्रॉब्लम है? सर, रोज बारिश आती है थोड़ी थोड़ी। बारिश तो फिर भी सही है, लेकिन कहीं ज्यादा मेजर इशू तो नहीं ना? कहीं ऐसा सुनता हूँ कि लैंडस्लाइडिंग हो गया या फिर स्कूल के रास्ते यस बंद हो सर, गए, हमारे हाँ स्कूल के इसके रास्ते साइड है बंद हो क्या जाती है लाइन की लैंडिंग। चीज? हमारे स्कूल के रास्ते पर हो जाती है लैंडस्लाइडिंग सर। फिर क्या होता है उस दिन, स्कूल बंद हो जाता है? तो अगर सरकार ने छुट्टी घोषित कर रखे तो छुट्टी होगी, अगर वरना हमारे टीचर्स बोलते हैं कि जो तो ज्यादा दूर गए वो ना आए। टीचर्स फिर टीचर्स क्या बोलते हैं बताओ? कहते हैं जिनके रास्ते में नदी वगैरह है, पहाड़ वगैरह है बड़े बड़े, वो स्कूल ना आए जिनके रास्ते खराब हो रहे हैं। तो आप लोग मतलब काफी मुश्किल से जाते हो वैसे डेली? कोई हाँ बात नहीं, पता है क्या कि सकते हैं, बारिश होती नहीं है। पता है क्या, मैं एक बात आपसे बताता हूँ कि जैसे जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, जैसे मान लो कि, तो समझ लो कि आपको कोई एक बेस्ट काम के लिए दिया गया है, ये बताओ कि अगर मान लो किसी का वर्क काफी टफ मिलने वाला हो इन फ्यूचर में या फिर जो भी हो, उसका ट्रेनिंग अच्छे से होता है कि नहीं होता है? तो सर समझ लो कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है और आपको देखा जा रहा है कि आप लोग उस लेवल के हो कि नहीं। कई लोग इसी ट्रेनिंग में छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल पढ़ाई है, हम नहीं करेंगे, तो उनको तो फिर हमारे मौका आधे नहीं मिलेगा। आधे स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, हमारे क्लास के बच्चे बोर्ड्स वाले भी नहीं आते। तो वही बात है ना, समझो कि आप एक ट्रेनिंग के रास्ते से गुजर रहे हो और इसमें ना देखा जाता है कि कौन आगे जा सकता है, किसके पास ऐसे, मतलब कि आप लोग ना प्रॉब्लम से आगे निकलोगे ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, लेकिन मैंने अपना स्टडी नहीं छोड़ा था, वो कहा कि जो होगा देखा जाएगा, चलते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा सब बेकार, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, तो ये यही सोच के चलो कि जो होगा देखा जाएगा, करते रहो बढ़ते रहो, लेकिन इतना मान के चलो आप लोग एकदम बेस्ट करना, और बेस्ट करोगे ना तो अपने एरिया में, ये बताओ कोई सोचता है क्या कि हमको इंडिया लेवल पे टॉप करना है? ये सोचो कि हमें इतना अच्छा करना है कि अगल बगल वालों से हम अच्छे हो जाएं, सबको अपने अगल बगल वालों को ही दिखाना होता है ना, बताओ जरा, कंपेयर यस सर, नो कंपेयर तो सर, सभी को ही यस अगल सर, बगल वालों, अरे वो कितना भी कुछ भी बोल लो कि जो कंपेरिजन अगल बगल वालों से होता है ना, वो किसी से नहीं होता है, और जो जिलस करते हैं वो अगल बगल वाले ही करते हैं, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, काफी चीजें होता है कि नहीं ऐसा, तो सर, बेस्ट करो और बेस्ट करके अपने घर के पास इतना बड़ा बिल्डिंग बनाओ, इतना अच्छा करो ना कि सभी का छोटा लगने लगे, किसी को गिराने से अच्छा ना उसके सामने इतना बड़ा बन जाओ ना कि आप लोग, वो खुद ही अपने आप को डाउन समझे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? चलते यस जाओ, सर, आपको किसी भी चीज की, कभी भी किसी चीज की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, मेरा नंबर सबके पास है, तो कांटेक्ट कभी भी कर लेगा, ठीक है? और आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं भी आप लोग का नंबर सेव कर लूंगा, ताकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सबसे सभी कोई नहीं बात कर पाता, जो बेस्ट होता है उसी से कोई बात करता है, तो मतलब ये है ना कि आप लोग अपने आप को बेस्ट करो हमेशा, क्योंकि इसीलिए आपको जरूरत पड़ेगी ना तो हमेशा मुझे याद करोगे कि हाँ, और मेरे कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको जिस भी एरिया में जरूरत पड़ेगी ना, जैसे कि मान लो एनडीए के एरिया में, या फिर कौन सा कोर्स करें, या फिर यूएस में कोई, अगर आपको फॉरेन जाना हो पढ़ाई करने, स्टडी करने के लिए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, तो मेरे काफी दोस्त यूएस में भी है, जर्मनी में भी है, और तो यही है कि आप लोग बेस्ट करो, बेस्ट करोगे तो आपके भी कॉन्टेक्ट काफी अच्छे होंगे, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हाँ मेरा एरिया बस नैनीताल तक है या फिर हरिद्वार तक ही है, आपका भी एरिया काफी बड़ा हो जाएगा अगर आप अच्छे लोगों से कांटेक्ट रखोगे, और अच्छे लोगों से तभी कांटेक्ट हो पाएगा जब आप अच्छा पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपको हम पढ़ाई की वजह से जानते हैं और किसी चीज से नहीं जानते कि हाँ कि आप मेरे दोस्त हो या फिर आपके घर के पास मेरा घर है,
आपको बस हम स्टडी की वजह से जानते हैं, तो अगर आप लोग स्टडी अच्छा करोगे ना तो ही क्या होगा, बेस्ट होगा, हमेशा के लिए सबको याद रखेगा आपको। कुछ लोगों को ना मॉड्यूल मिला था तो जो ऐसे कंटिन्यूस अच्छा करते जाएंगे और रिकॉर्ड में अच्छे रहेंगे, अटेंडेंस अच्छा रहेगा, तो ऐसे काफी गेम्स भी होते रहेंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा गेम खेलने को मिल जाएगा, या फिर पता नहीं क्या ही सोच के आए होंगे और क्या हो गया उन लोगों के साथ। ठीक है भावना, वैशाली? यस सर, यस सर। और भी बेस्ट करो आप लोग, और भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो कल हमने जितना पढ़ाया तो उतना आप लोगों ने पढ़ लिया ना? यस सर, पढ़ लिया, पढ़ लिया। आओ उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसके आगे पता है क्या, उसके आगे देखो, ध्यान से देखो उसके आगे क्या क्या चीजें हैं। तो उसके आगे ना अब हम लोग पढ़ेंगे ना प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास का रिवीजन आओ बताओ जरा इसमें सबसे पहला आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ सभी को। सेम कल वाला क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ये सबका सही आंसर होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप वह है कि जिसको दूर होने के बाद वह स्टेबल हो जाए, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो पहले वाला होगा। दूसरा बताओ, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मैक्सिमम इन किसमें, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी? बी वाले में इसलिए क्योंकि इसमें दो रेजोनेंस बनता है और इसमें पांच बनता है, होना तो पांच वाले को चाहिए, लेकिन इसका जो माइनस चार्ज है ना केवल और केवल ऑक्सीजन पे ही मूव करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जिसकी वजह से क्या होता है यह ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है तो माइनस चार्ज को होल्ड करेगा। देखो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसलिए मैंने आपको दो क्लासेस स्टार्टिंग का कौन सा लिया, जीओसी का लिया, ताकि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आप लोग इसका बताओ जरा, इसका भी दूसरा ही होगा क्योंकि इसमें जो लिविंग ग्रुप है ना वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, माइनस चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबल है इसका। इसका बताओ पहले वाले का, पहले वाले को बताओ, सभी कोई बताओ, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, फोन में अपने लॉगिन किया हूं मैं। क्लियर है सबको? क्लियर है। तो जो पहला होगा ना वो एप्रोटिक का क्या मतलब है, एप्रोटिक का मतलब है कि जिसका भी जो भी सॉल्वेंट होगा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है डीएमएसओ, डाइमेथिल सल्फोक्साइड। ठीक है, इसका जरा बताओ पोलर प्रोटिक क्या होगा, प्रोटिक का मतलब वही है कि जिसका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसका ध्यान से देखो इसका फोटो कैसे बनता है, CH3COOH। क्लियर है क्या मेरी बातें? ये जरा बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल वह चीज होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल वह चीज होता है ना कि जिसमें जिसमें या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर प्लस चार्ज हो, या फिर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा ना वो सही होगा। वैशाली आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो क्या, कशिश? चलो रिप्लाई तो कर रहे हो। ये जरा बताओ फोर्थ वाला एक बार बता दो आप लोग, फोर्थ वाला आप लोग बता दो, फोर्थ वाला थ्री होगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पूछ रहा है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला जरा बता दो, कौन ऐसा जो है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, CN है यार, क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्लियर है क्या सबको, बताओ एक बार। यस सर, यस सर। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, किसकी बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरा बताओगे आप लोग, कहीं सुना है आप लोगों ने? सर एक की जगह दूसरे को बिठा देंगे। बताओ आप लोग क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनीवन, कोई भी हो बता सकता है,
अपने भावनाओं विचारों को रख सकता है मेरे सामने। ये बताओ कि कभी आप लोगों ने स्कूल में फर्स्ट बेंच पे बैठा और कोई आए और आपको ऐसे धक्का दे के हटा दे और खुद वहां पे बैठ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपकी जगह पे कोई आया और आपको हटा दिया। कंडीशन क्या है? कोई आएगा और आपको हटाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे एक कंपाउंड है CH3Cl है। ये बताओ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या डेल्टा आ जाएगा? क्या जब इस पे डेल्टा माइनस आएगा तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा? बोलो आएगा। अब ध्यान से देखो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? क्या यह इस पे प्लस वाले पे अटैक करना चाहेगा? और अटैक करना चाहेगा तो इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। और बाहर कर देगा ना, तो ध्यान से देखो कुछ ऐसे बना लेगा। यहाँ पे यह न्यूक्लियोफाइल है और यह CH3 से जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन बाहर निकल गया माइनस चार्ज से। क्या मेरी बातें क्लियर है? सही, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई ना। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बताओ ये बातें क्लियर हो गई सबको? अब देखो यस सर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक तो बोलते हैं SN1 रिएक्शन, दूसरे को SN2 रिएक्शन। क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या SN1 और SN2? जरा बताओ, SN1 और SN2 पढ़ रखा है? क्या होता है SN1? राज सर ने पढ़ाया है सर, पढ़ाया है। SN2 बताऊंगा आज मैं, ठीक है? SN2 बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा? SN2 बताऊंगा, फिर क्या बताऊंगा? SN1 बताऊंगा। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हटाना। हटाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि SN1 रिएक्शन, क्या है? SN1 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 1 का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर, यानी केवल और केवल एक मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा है SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिकुलर है। ठीक है, पहले में यूनिमोलिकुलर है, दूसरे में क्या है? बाई मॉलिकुलर है। ये हटाने के दो तरीके। अब देखो मैं आपसे बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, कितने लोग द ग्रेट खली को जानते हो? कितने लोग नहीं जानते हो ये बताओ? पता है मर कौन है ग्रेट खली? वो बहुत ही बड़ा फाइटर है। ठीक है प्रतीक्षा, वो फाइटर है बहुत ही बड़ा। तो मान लो कि आप लोग फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, फर्स्ट बेंच पे बैठे हो और मैं आ रहा हूं और मैं बैठ जा रहा हूं आपके पास और आपको धक्का देके हटा दे रहा हूं, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ? क्या बताओ? यस सर। तो एक तरीके से यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो जब ऐसे होगा कि मैं आपके पास बैठूंगा और आपको धक्का देके भगाऊंगा, यह SN2 रिएक्शन होता है। क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है। अब मानो कि मेरी जगह खली आ रहा है, खली, तो खली को क्या हुआ? खली आएंगे तो आप पहले ही देखते भाग जाओगे, क्या उनको धक्का देने की जरूरत है आपको? पहले ही देखते भाग जाओगे। जब पहले ही देख के भाग जाओगे तो क्या हो जाएगा? SN1 हो जाएगा। बताओ समझ गए आप लोग ये बातें? यस सर। सबसे पहले हम SN2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? SN2 पढ़ेंगे। देखो हम लिखते हैं SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ध्यान से देखो इसमें, ध्यान से देखो, होता है न्यूक्लियोफाइल होता है और यहाँ पे कोई RX होता है। तो अब पता है क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास होता है डेल्टा प्लस होता है और इसके पास डेल्टा माइनस होता है। और जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ना, अटैक करने का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपके आके पास बैठूंगा, तो आके आपके पास बैठूंगा तो आप बताओ एक ही बेंच पे दोनों लोग हो जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या होता है, ये कि मैं पास आके न्यूक्लियोफाइल में हूँ, मैं पास आके बैठ गया और यहाँ पे जो निकलने वाला है वो भी हमारे पास है। तो जैसे जैसे मैं ऐसे एंट्री करूंगा वैसे वैसे दूसरा वाला क्या होगा? बाहर जाएगा ना, एग्जिट करेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग तीनों लोग एक ही जगह है, लेकिन जैसे जैसे मैं ऐसे धक्का मारता जाऊंगा वैसे वैसे एक्स क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। क्या बातें क्लियर है? और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो आर से जुड़ जाएगा
और x माइनस बाहर निकल जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अब ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल के पास भी माइनस चार्ज होता है और x के पास भी डेल्टा माइनस होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज? बोलो, नेगेटिवली चार्ज। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। आओ आओ थोड़ा और अच्छे से देखें। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? यहाँ तक सोचो किसी कुछ पूछना हो तो। और एक्स के पास डेल्टा माइनस है, तो ये बताओ माइनस वाले की संख्या ज्यादा है ना? ज्यादा है। अब देखो ये बताओ कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आया और दोनों के पास बैठ गया, तो जब दोनों के पास बैठ गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इस बीच वाले स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लिविंग ग्रुप को हम बाहर भेज देंगे और खुद जाके क्या करेंगे, उसकी जगह पे बैठ जाएंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आओ इसका देखते हैं रियलिटी में क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे हमारे पास है, मान लो यहाँ पे एक्स ग्रुप है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहली बात देखो, जहां भी SN2 रिएक्शन होगा, जिस साइड से ग्रुप होगा उसके अपोजिट साइड से धक्का मारेंगे। अगर मान लो कि बेंच पे आप लोग बैठे हो, मान लो कि आप इधर बैठे हो बेंच पे, तो हम इधर से बैठेंगे और धीरे धीरे घिसका के आपको धक्का मारेंगे। डायरेक्टली नहीं मारेंगे, उधर से नहीं आएंगे, इधर से खिसका के धीरे धीरे धक्का मारेंगे, आप लोग गिर जाओगे। ये बताओ कि जिस साइड लिविंग ग्रुप होगा, क्या उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या? यस सर। यस सर। इसके अपोजिट साइड से निकले फाइल को मैंने क्या कर दिया, अटैक करा दिया। क्या, क्यों? क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस है। अब ये बताओ कि यह sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड है। बोलो, sp3 होगा। यस सर। जब यह न्यूक्लियो फाइल आएगा तो फिर बताओ क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो कार्बन होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, यह भी हाइड्रोजन होगा और यह भी हाइड्रोजन होगा। अब देखो, अब इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या है, इंटर कर रहा है। ध्यान से देखना, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल इंटर कर रहा है, दूसरे साइड से यह लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है। क्लियर है बात है यहाँ तक? बोलो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, कार्बन एच है ही, यह अभी एच है, यह अभी एच है, और न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ जाएगा। जुड़ गया क्या न्यूक्लियोफाइल? जुड़ गया। Yes, हमारे पास जो X ग्रुप है वो निकल गया बाहर। ध्यान से देखो, ये बताओ कि जिस साइड X ग्रुप है, क्या उसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है क्या? अपोजिट साइड जुड़ा है। मान लो कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S होता है, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होता है, क्या होता है? R होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या S होगा क्या, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जुड़ा है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? अगर यह क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यह है ट्रांजिशन स्टेट। यह क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। एक बात बताओ, अभी फिलहाल जब ट्रांजिशन स्टेट नहीं है तो कितने एटम है इसके पास? क्या पांच एटम है? क्या चार एटम है? क्या साइड में कितना एटम है? चार है, चार एटम है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। क्या है? sp3। अभी बताओ, अभी कितने एटम दिख रहे हैं आपको? पांच एटम दिख रहे हैं आपको, पांच एटम। अब हाइब्रिडाइजेशन जरा बताना, केवल और केवल यही तीनों वाला काउंट होगा? यह नहीं काउंट होगा, क्योंकि यह बॉन्ड बन रहा है या इधर से हट रहा है, यह नहीं काउंट होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या होगा? sp2 हो जाएगा। और लास्ट में बताओ, लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का जो हमारे पास क्या होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो क्या होता है, ठीक है? क्लियर है बातें? आओ इसके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। तो पहला फीचर्स देख लो, अगर मान लो C+ बनता तो इसको बोलते कार्बोकेटायन, C- बनता तो कार्बोएनायन, और कार्बन रेडिकल बनता तो इसको फ्री रेडिकल। ये सब के सब क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। आप बताओ क्या इसमें इस तरह का कुछ बना है क्या? नहीं बना है। तो नो इंटरमीडिएट फॉर्म। क्या है? नो इंटरमीडिएट
फॉर्म, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना, ठीक है। दूसरा देख लो, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर देख लो, क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है? यस सर। ट्रांजिशन स्टेट क्या लिख दिया मैंने, बनता है इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब ये बताओ ट्रांजिशन स्टेट किस चार्ज का होगा? क्या नेगेटिव चार्ज का होगा? क्या नेगेटिव चार्ज का होगा? अब ये बताओ नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर विड्रॉइंग ग्रुप? अरे विड्रॉइंग ग्रुप ना, विड्रॉइंग ग्रुप ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस पे लगा दोगे तो ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल करेगा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? ये बातें सब नोट कर लो आप लोग, सब नोट कर लो आप लोग, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। डन सर। क्या हो गया क्या सबका? यस सर। ठीक है, क्लियर है बातें मेरी। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमें SN2 रिएक्शन कराना है। कौन सा रिएक्शन कराना है? SN2 रिएक्शन। ध्यान से देखो, CH3 CH2 I। अब हमारे पास आता है यहाँ पे, ध्यान से देखो, CH2 CH2 I, और यहाँ पे आता है NO2, और यहाँ पे आता है CH2 CH2 I, और यहाँ पे आता है CH3। इसको बोला मैंने पहला, इसको दूसरा, और इसको तीसरा। और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है बताओ? अटैक करना। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बताओ पहले वाले कंपाउंड में कहाँ पे अटैक करेगा? नहीं, पहली बात सुनो कि यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा तो इसी का इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा ना, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने जाएगा? दूसरे पे अटैक करेगा, तब आई को निकालेगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास दूसरे में कहाँ पे अटैक करेगा? पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा? सर दूसरा। दूसरे पे, समझ रहे हो ना क्यों दूसरे पे? यस सर। क्योंकि वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और तीसरे वाले में बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? सर तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है। यस सर। अब ये बताओ कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन बनेगा SN2 रिएक्शन? ऑर्डर बता दो आप लोग, ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर पूछता है। ये बताओ क्या SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिव चार्ज का होता है, और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में लगा है? दूसरे वाले में लगा है ना, दूसरा वाला ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा? सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। अब पहले और तीसरे में बता दो। देखो तीसरा वाला ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो दिख रहा है क्या? यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आप बताओ ट्रांजिशन स्टेट ऑलरेडी माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबल करेगा कि डीस्टेबल करेगा? सर डीस्टेबल। क्या यह ऑर्डर समझ आया क्या सबको? एक बार बताओ आपको। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? No, कोई डाउट नहीं है ना?
कोई डाउट नहीं है, मजे से कर लोगे आप लोग? नो सर, कर लो। अब देखो, अब कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। यह देखो, यह सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन का क्या मतलब है? मैं पहले आपके बेंच पे बैठूंगा, आपको धक्का मार के निकाल दूंगा एक ही बार में, ठीक है? इसको क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट देख लो, यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है मेरी बातें? इसका जो रेट होता है ना, रेट होता है ना फास्ट कब होगा? ध्यान से देखो, अगर हमारे पास जो एल्किल हैलाइड है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा? अगर दोनों का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बताओ कि क्या रेट एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है? किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। किसकी बात कर लेते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री में ध्यान से देखो क्या है। मान लो कि हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, एम ई ग्रुप है, यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास ड्यूटेरियम ग्रुप है, और यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। बोलो, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। yes, sir. जब अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो कुछ ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ध्यान से देखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और यहाँ पे एम ई है ही, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंट्री मार रहा है, और यहाँ पे निकलने वाला ग्रुप निकल रहा है, ठीक है? कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अब देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। कार्बन हो गया, एम ई तो ऊपर है ही, अब न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, ड्यूटेरियम तो नीचे है ही, और इस साइड क्या आ गया? एच आ गया। अगर मान लो कि इसका स्टीरियो केमिस्ट्री एस है ना, तो इसका क्या होगा? आर होगा, क्योंकि पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री ही चेंज हो गया। क्लियर है मेरी बातें? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। आपने स्टेटमेंट सुना था, तुम आलू डालो हम सोना निकालेंगे। यस सर, सुना था। पप्पू, अरे ऐसे मत बोलो, ठीक है? रिकॉर्डिंग। तो इसमें ऐसा है ना कि आप एस वाला कॉन्फिगरेशन डालो, प्रोडक्ट किसमें मिलेगा आपको? आर में मिलेगा। आर वाला, या फिर आप आर वाला डालो, क्या मिलेगा हमें? एस मिलेगा। इसमें केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? केवल और केवल, किसी को कुछ डाउट? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। मान लो No, हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3Br है, वैशाली, समझ आ रहा है? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आ रहा है, बता देना आप लोग। आप लोग ना बता देना, ठीक है? Okay, sir. ध्यान से देखो सबका सब एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का क्या मतलब है? कोई एक आर ग्रुप है और आर ग्रुप से कोई एक एस ग्रुप लगा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। देखो, यह ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है कि इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग 0 डिग्री कार्बन, ठीक है? अब देखो, यह पहला हो गया, यह कार्बन ऐसा कार्बन है कि इस कार्बन से केवल और केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन डिग्री। तीसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? टू डिग्री बोलेंगे। और तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे?
डिग्री। अब ये बताओ कि यह जो न्यूक्लियोफाइल है अगर SN2 रिएक्शन करने जाएगा तो हमेशा क्या बैक से अटैक करेगा क्या? यस सर। अगर ये बताओ अगर बैक में इसके भीड़ भाड़ हो, पीछे से अटैक करेगा भीड़ भाड़ हो, तो क्या अच्छे से अटैक कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा ना। तो ये बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन से वाले में देगा? जीरो डिग्री। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्या बातें समझ आई? ऐसे क्वेश्चन पूछता है किस, तो ऐसे ऑर्डर ऐसे कभी पूछ देगा, या फिर ऑर्डर पूछ देगा, या फिर ऐसे कुछ भी करके पूछ देगा, फोटो बना के पूछ देगा, तो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया? आ गया सर। आ गया समझ? Yes, sir. सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो दोबारा यही है ना कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 रिएक्शन में पीछे से अटैक करता है। आप बताओ उस जिस कार्बन पे वो अटैक करने जा रहा है उस कार्बन में अगर हम भीड़ भाड़ कर दे तो क्या वो एंट्री कर पाएगा? नो सर। जब एंट्री नहीं कर पाएगा तो आप बताओ क्या वो SN2 रिएक्शन देगा अच्छे से? नहीं देगा, सबसे खराब देगा। No, sir. जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगा वहीं पे जाएगा, यानी 0 डिग्री पे देखो थोड़ा सा भी भीड़ भाड़ नहीं है, 1 डिग्री पे थोड़ा सा है, फिर 2 डिग्री पे है, सब 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा आप लोग क्या कर लेना, पूछ लेना, ठीक है? अब देखो, अब देखते हैं एक और हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या आता है? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये आप लोगों ने SN2 सही सही बताओ, राज सर ने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। पढ़े थे आप लोग? यस सर। दोबारा पढ़ा दे रहा। अच्छा मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ सर, शॉर्ट में पढ़ा फिर तो आप क्या शॉर्ट में रिवाइज करा देना। अरे मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ये बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। अब देखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लेते हैं क्या। हमने ये बताओ कि पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं? पोलर सॉल्वेंट। मान लो पोलर सॉल्वेंट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक होता है प्रोटिक और एक होता है अप्रोटिक। ठीक है, प्रोटिक वाले में क्या होता है जरा बताना। हाइड्रोजन जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन निकल भी सकता है। आप यह बताओ कि अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो हाइड्रोजन निकल के न्यूक्लियोफाइल से नीचे चला जाएगा, चिपक जाएगा? बताओ जरा, अगर हम मान लो पोलर सॉल्वेंट ले लें तो इसका हाइड्रोजन निकल के न्यूक्लियोफाइल से चला जाएगा, लग जाएगा, तो ये बताओ अटैक कौन करेगा? जब न्यूक्लियोफाइल बिजी हो गया तो कोई अटैक करने वाला नहीं होगा, जब अटैक ही नहीं करेगा तो आप बताओ क्या SN2 रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर मान लो कि हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे देख लो DMSO ले लिया, मान लो कि हमने DMSO ले लिया, क्या होता है? डाइमिथिल सल्फोक्साइड। मान लो कि हमने DMF ले लिया, क्या होता है जरा बताओ? DMF, डाइमिथिल फार्मामाइड। DMF ले लिया, डाइमिथिल फार्मामाइड, या फिर मान लो कि हमने DMA ले लिया, क्या होता है? डाइमिथिल एसीटामाइड। अगर इन तीनों में से हम कोई ले लेंगे तो आप बताओ हाइड्रोजन के निकलने का चांसेस है कहीं से? नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या रहेगा, एकदम पूरी तरह से सेफ रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसलिए हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसलिए हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? ए प्रोटिक वाला यूज करते हैं। अगर मान लो कि आपको 2 सॉल्वेंट दे दिया, हमारे पास देखो ऐसे दे दिया, हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, मान लो कि हमारे पास OH- न्यूक्लियोफाइल है, CH3Br, यह रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास OH- दे दिया है, और साथ में क्या दे दिया है, साथ में हमारे पास अगर सॉल्वेंट के तौर पर H2O दे दिया है, ठीक है। दूसरा देखो CH3Br है, इसमें भी हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या दे दिया, OH- दे दिया है,
और इसमें क्या दे दिया, DMSO दे दिया है। अब बताओ SN2 रिएक्शन कौन अच्छा करेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर दूसरा वाला। सर दूसरा वाला। समझ आया सॉल्वेंट चेंज करने से क्या होता है? आप लोग बस एरो के ऊपर देखते हो ना, ये सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है, आप लोग रट लेते हो, लेकिन समझ आ रहा है ना क्या सीन है? बहुत बड़ा झमेला है, ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। कल मैंने आपको बताया था ना विनाइल क्लोराइड और क्या बोलते हैं विनाइल हैलाइड, ये सब बताया था मैंने ना? नहीं बताया था सर, भूल गए हैं। चलो यहाँ तक बताओ सबको, क्लियर है कि नहीं? क्लियर yes, क्लियर है। yes, आओ थोड़ा हम PPT देख लेते हैं। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, सबका सब बता दिया। सेकंड ऑर्डर का होता है, मॉलिकुलरिटीज की 2 होती है, DMF, DMA, एसीटोन, ये सब के सब क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक वाले सॉल्वेंट यूज होते हैं, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। कुछ ऐसे बनता है, ये भी मैंने बता दिया ना आपको, ऐसे ही बनता है। देखो इसमें वाल्डन इन्वर्जन होता है, वाल्डन इन्वर्जन होता है इसमें। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो जो हमारे पास SN2 रिएक्शन होता है ना, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो SN2 रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? SN2 रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखो, मान लो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है। अब इस वाले कार्बन से अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है बातें? अगर मान लो कि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कार्बन है, उस कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एलाइल हैलाइड बोलेंगे। आप बताओ क्या यह भी एलाइल हैलाइड है क्या? बताओ जरा। अरे भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इससे क्या जुड़ा है? एक्स ग्रुप जुड़ा है। एलाइल हैलाइड होगा? नहीं होगा। यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास बेंजीन है, ध्यान से देखो, बेंजीन है, तसी समझ आ रहा है आपको? यस सर। बेंजीन है और बेंजीन से कोई भी एक CH2 ग्रुप जुड़ा है और उससे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजिल, क्योंकि हम लोग इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजिल, और इससे कोई एक्स ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजिल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है बातें? जो एलाइल हैलाइड होते हैं और बेंजाइल हैलाइड होते हैं, यह SN2 रिएक्शन बहुत ही अच्छा देते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर मान लो कोई सिंपल वाला आ गया और ये वाला आ गया, तो पूछेगा कि सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन देगा, तो बेंजाइल और एलाइल। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो, अगर मान लो इस टाइप का भी कोई कंपाउंड आ गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और X, इस टाइप का भी अगर कोई कंपाउंड आ गया जिस कार्बन से जुड़ा हो कि वह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, यह भी बहुत ही अच्छा SN2 रिएक्शन देगा। क्लियर है क्या? यस सर। अभी को हमने पढ़ा एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, अब हम लोग पढ़ेंगे एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। ध्यान से देखो, मान लो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और इसी कार्बन से कोई एक्स ग्रुप जुड़ गया, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, यानी sp2 कार्बन से ही। अगर sp2 कार्बन से कोई एक्स ग्रुप जुड़ गया ना, यह SN2 रिएक्शन नहीं देता है। SN2 रिएक्शन नहीं देगा, नहीं देगा। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा चीज है, ध्यान से देखो, कोई बेंजीन है और बेंजीन से भी कोई एक्स ग्रुप जुड़ गया, अब ये बताओ कि बेंजीन भी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, डबल बॉन्ड, और यह भी एक्स ग्रुप जुड़ गया, तो यह भी क्या होगा? नहीं देगा। अब ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिज हेड कार्बन। मान लो कि ऐसे हमारे पास कोई ऐसे रिंग बना हो 6 मेंबर का, और इस दो रिंग को अपोजिट साइड को आपस में क्या कर दो, मिला दो, मिला दिया ऐसे, तो यह वाला जो पोजीशन होगा और यह वाला पोजीशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। और इस पे भी ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं इन दोनों को।
अगर इसमें भी कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हो तो यह भी क्या होगा, नहीं देगा। SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या मैंने 6 मेंबर की रिंग बना लिया, क्या बना लिया। और पहले और चौथे के बीच एक बॉन्ड है, देखो पहले और चौथे के बीच कुछ ऐसे है क्या, देखो। यस सर, क्लियर है मेरी बातें? यस सर, यस सर। डाउट किसी को, डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मेरी बातें। तो इसी को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, और ब्रिज हेड कार्बन पे ना ही SN2 रिएक्शन होता है और ना ही SN1 रिएक्शन होता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार शेयर कर सकता है मेरे साथ। कोई डाउट? कोई डाउट? आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब SN2 के एग्जांपल है, मैं बताऊंगा सब ये, अभी रुक जाओ कुछ टाइम, आप लोग रुक जाओ, ये सब बताऊंगा। अब आ गया SN1 में, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यह देखो कि हमारे पास यह 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, मैं ऑप्शन बताता हूं आपको। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो, हमारे पास कुछ ऐसा ही है, CH2Cl, और यहां पे क्या है, Br है। दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास है CH2Cl, यहाँ पे है NO2, और यहाँ पे भी क्या है NO2। तीसरा देख लो, तीसरा कुछ ऐसे दिया हुआ, CH2Cl, और यहाँ पे क्या है NO2 है, और यहाँ पे क्या है NO2 है। और चौथा देख लो, CH2Cl, और यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे क्या है। सब आप लोग बना रहे हो कि नहीं, कॉपी में बना रहे हो, ये बताओ। अब यह पूछ रहा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, ऑर्डर बता दो आप लोग, ऑर्डर। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ना, उसमें कहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे अटैक करेगा कि क्लोरीन पे? क्लोरीन वाले पे करेगा सर, क्लोरीन पे। ब्रोमीन पे क्यों नहीं करेगा सर, उस पे डबल बॉन्ड के साथ ही है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, वह क्या है sp2 कार्बन पर है, इसलिए वहां पे अटैक नहीं करेगा। और क्लोरीन वाले पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि वह बेंजाइलिक है। डन, बातें बताओ, बताओ जरा, बताओ जरा, सबसे पहले अटैक, सबसे अच्छा अटैक किस पे करेगा? देखो पहली बात सुनो, आप ये बताओ ट्रांजिशन स्टेट पे क्या माइनस चार्ज होगा? ट्रांजिशन स्टेट पे तो माइनस चार्ज होगा, और माइनस चार्ज होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबल करेंगे? देखो यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या पहले में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है? अच्छा खासा नहीं लगा हुआ है, तो पहला वाला तो सबसे कम स्टेबल होगा, ये मान के चलो। अगर आपके पास ऑप्शन दिया हो ना, तो जो पहला वाला सबसे कम होगा ना, वही होगा। एक बार रुकना सब,
ठीक है, ध्यान से देखो। तो क्या ये बताओ, पहला वाला सबसे लास्ट में जाएगा? बोलो, लास्ट में जाएगा। यस सर। और ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये बताओ कि यह भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपसे? बताओ। यस सर, बताया था। और इस केस में देख लो, दूसरा हमारे पास नाइट्रो है ना, तो इस बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो, कुछ ऐसे बन गया क्या? बताओ, बन गया। और तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में देखो, अगर हमारे पास यह वाला नाइट्रो है ना, तो एक बार इसको आर्थो पे प्लस आएगा और एक बार इसके पैरा पे प्लस आएगा। और यह वाला देखो, इसकी वजह से एक बार इसके आर्थो पे प्लस आएगा और इसके पैरा पे प्लस आएगा। क्या बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब देखो फोर्थ वाले में, देखते हैं फोर्थ वाले में, एक बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव आएगा, एक बार इसके पैरा पे पॉजिटिव आएगा। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था जब मैं रेजोनेंस आपको बता रहा था? बताओ जरा एक बार। और इस वाले से देखो, इस वाले से एक बार इसके आर्थो पे पॉजिटिव आएगा, एक बार इसके पैरा पे पॉजिटिव आएगा। तो ये बताओ कि हमें चाहिए प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ये बताओ क्या इसके इस पोजीशन पे कोई प्लस चार्ज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये बताओ क्या यह खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। इन तीनों के कंपेरिजन में तो नहीं खींच पाएगा, तो यह चौथे पोजिशन पे आ गया। क्लियर हो गई बातें? यस सर। यस सर। अब देखो, अब बात करते हैं किसमें, दूसरे में और तीसरे में। किसमें बात कर लेते हैं हम लोग? दूसरे में और तीसरे में। दूसरे और तीसरे में देखो, दूसरे और तीसरे में देखो ध्यान से। तो जो दूसरा और तीसरा वाला है ना, कि दोनों की वजह से इसके इप्सो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ रहा है। दोनों की वजह से आ रहा है कि आ रहा है। लेकिन अगर बात करें दूसरे वाले में ना, तो दूसरे वाले में देखो क्या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो खींच रहा है ना, यह इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से सबके सब खींचेंगे, लेकिन जो सबसे नजदीक होगा वो ज्यादा खींचेगा ना। यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाले की ही जरूरत है, इसलिए क्या होगा, दूसरा वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर तीसरा वाला होगा। क्या ये बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, क्लियर है सर। आपको कई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कई चीजें सोचनी पड़ेंगे, इसलिए ऑर्गेनिक इतना आसान नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कितने सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक और क्वेश्चन बताऊं 2020 का, 2022 का, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। जो बता लेगा क्या इनाम होगा, ये बताओ क्या प्राइस रखा जाए? ₹1 सबको चॉकलेट खिलाएगा। चलो मेरे एड्रेस पे कौन करेगा चॉकलेट? हाँ, वो गाना सुनाएगा लास्ट में जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया जाएगा। चलो 5 मिनट के लिए मैं आप लोग को टाइम दे दूंगा। ध्यान से देखो, यह क्वेश्चन आपका पता है क्या 2022 में पूछा हुआ? ठीक है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे है। आप लोग ना बेंजीन रिंग सही बनाना, जितना सुंदर बनेगा उतना ही इसका मतलब क्या है, आप लोग अच्छे हो। ये बताओ, ये ऐसे मैंने वेज वाला बनाया, इसका मतलब क्या है, प्लेन के ऊपर है? यस सर। हाँ, यह हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें क्या मिला हुआ, ये मिला हुआ, ध्यान से देखो, HS- और Na+ ऐसे मिला हुआ है। और इसमें सॉल्वेंट क्या है, DMF है। ठीक है, DMF है। और हमें SN2 रिएक्शन कराना है, SN2 रिएक्शन कराना है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ था, ऑप्शन ए देख लो क्या दिया हुआ था, कुछ ऐसे दिया हुआ था। ये बताओ पीपीटी से पढ़ाना ज्यादा बेहतर है या फिर लिखवा कर? सर लिखवा से आप पढ़ाते हैं, लिखा नहीं, और ऑर्गेनिक के केस में लिखवा कर ज्यादा बेस्ट होगा। यस सर। वरना ना आप लोग के ऊपर से कैसे जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा ऑर्गेनिक के केस में, बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के केस में चल जाएगा। तिरछा बना दिया इसको। आप लोग ना साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है।
आप लोग साथ साथ बनाते रहे। फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन, डी डी कुछ ऐसे है। बताना जरा कौन सा ऑप्शन सही है। चॉकलेट का क्वेश्चन है, चॉकलेट का। दिखने से लग रहा है ना टफ है, बताओ जरा, हार्ड लग रहा है ना? यस सर, दिखने से लग रहा है ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये 2022 का क्वेश्चन है। सिंगिंग का क्वेश्चन, सिंगिंग का। पूछिता मेरी आवाज आ रही है? वैशाली आपको समझ आ रहा है? आप क्लास में हो वैशाली? यस सर। सर आपका माइक ऑफ है। दो लोगों ने आंसर दे दिया, अदर पर्सन रिया, अमर, भावना, प्रतीक्षा, सानू, कशिश नहीं है क्या? सर हूँ। हाँ जी कशिश बताओ भाई। वैशाली, कितने लोग एक्सप्लेन कर देंगे? कितने लोग एक्सप्लेन कर देंगे इसको? सुरिंदर एक्सप्लेन करो। सर ये जो ए ऑप्शन इसलिए क्योंकि सर ये एक फ्लोरीन और एनओ टू है, ये तो एसपी टू के साथ है ना, एसपी टू कार्बन के साथ है, के साथ नहीं होगा, और SPH जो है ये डैश में इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है ये पहले से उठा हुआ है, सॉरी आयोडीन पहले से उठा हुआ है, तो इसके साथ जब SPH लगेगा तो ये डाउन में लगेगा। देखो सिंपल सी बात देख लो, पहला ऑप्शन ही सही है और वो रीजन मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। यह भी निकलने वाला, देखो यह भी निकलने वाला ग्रुप है और यह भी निकलने वाला ग्रुप है, लेकिन यह फ्लोरीन नहीं निकलेगा क्योंकि sp2 से है, क्लियर है? क्लियर है, निकलेगा तो आई है, तो उस हिसाब से हमारा तीसरा वाला तो सीधा सीधा गलत है, नहीं तीसरा वाला नहीं, दूसरा वाला और चौथा वाला, क्योंकि इसमें भी फ्लोरीन को भी निकाल दिया है, ये तो डायरेक्टली गलत है ना, गलत है। अब देखो कि इसमें देखो यह SN2 रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है आयोडीन अबव द प्लेन है, जो अटैकिंग ग्रुप आएगा वो कहां से अटैक करेगा? बिलो द प्लेन से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? अपोजिट साइड से, बोलो, अपोजिट साइड से अटैक करेगा ना? यस सर, बिल्कुल। ये देखो कि ये फ्रंट से ही अटैक किया हुआ, फ्रंट से ही अटैक किया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना, SN2 रिएक्शन हो जाएगा आप लोगों से, हो जाएगा SN2 रिएक्शन, हो जाएगा, करना है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को करना है, सॉल्व करना है आप लोगों को SN2 रिएक्शन। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, हो गया। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एस एन वन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? एस एन वन रिएक्शन की। ये बताओ कि एस एन टू में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि एस एन टू में मेरे जैसे बंदे आए थे आपको धक्का देने के लिए। अब कौन आ रहा है धक्का देने के लिए? ग्रेट खली, द ग्रेट खली। अब क्या करोगे आप लोग? पहले देखो इसमें क्या होता है। देखो हमारे पास, मान लो कि यह हमारे पास आर है और कोई एक्स है, और यहाँ पे द ग्रेट खली पीछे आ रहे हैं, तो ग्रेट खली का कोई ठीक वो क्या वो पीछे से आएगा? ग्रेट खली नो सर, आगे से आएगा। अगर जैसे ही पता चला कि ग्रेट खली आने वाला है, या पहले ही भाग गया तो क्या हुआ? यह आर प्लस बन जाएगा और यह एक्स माइनस बन जाएगा। क्लियर है? आर प्लस बन जाएगा और एक्स माइनस बन जाएगा। अब ये बताओ कि उस बेंच पे जो ये भाग गए हैं, उस बेंच पे और भी लोग तो बैठे होंगे ना, और लोग क्या करेंगे? उस बेंच की साफ सफाई करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि खली मारा जा रहा है। अब साफ सफाई कहने का क्या मतलब है? R प्लस को स्टेबल करेंगे। R प्लस को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। तो जिसका R प्लस ज्यादा स्टेबल उसका रेट ज्यादा, जिसका R प्लस ज्यादा स्टेबल उसका रेट ज्यादा। अब देखो जैसे कि मैं बताता हूं आपको, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे है, सी एच थ्री एक्स है, सी एच टू एक्स, और यहाँ पे क्या है? सी एच थ्री है, सी एच एक्स सी एस थ्री और सी एस थ्री है, और यहाँ पे देख लो सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री और यह क्या है? एक्स है। अब यह बताओ कि यह क्या है? यह हमारे पास थ्री डिग्री है, यह टू डिग्री है, यह वन डिग्री है और यह जीरो डिग्री है, ठीक है। अब यह बताओ कि जब खली महाराज आ रहे हैं तो सबके सब एक्स ग्रुप क्या करेंगे? भाग जाएंगे। और भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या सी एस थ्री प्लस बन जाएगा क्या? और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे बोलो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। और जिसका प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसका प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, ग्रेट खली वहीं पे आएंगे। तो आप बताओ किसका प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है? थ्री डिग्री, टू डिग्री, बिल्कुल। तो थ्री डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर टू डिग्री का होगा, फिर वन डिग्री का होगा, फिर जीरो डिग्री का होगा। तो अगर एस एन वन रिएक्शन कराना है, एस एन वन, तो एस एन वन में सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? थ्री डिग्री पे, फिर टू डिग्री पे, फिर वन डिग्री पे, फिर जीरो डिग्री पे, जीरो। और वही एस एन टू होता तो उल्टा उल्टा हो जाता। क्या मेरी बातें समझ आ रही है? तो आप लोग को क्लियर हो रहा है पूरी तरह से? अब देखो अब क्या सीन, अब ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई भी, अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी ये क्या है, R1 है, यहाँ पे क्या है R2 है, यह R3 है और यह X ग्रुप है। SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, कौन आ रहा है? खली, खली आ रहे हैं, खली आ रहे हैं। तो आप बताओ कि यह क्या होगा? खली साहब को देखते क्या होगा? X ग्रुप भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। और यह जितना ज्यादा स्टेबल होगा खली महाराज, इतने ही अच्छे से बैठेंगे, ठीक है। तो अब यह बताओ कि पहले यह कार्बन के पास चार बॉन्ड हुए करते थे, तो क्या यह sp3 था क्या? यस सर। और sp3 टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल। अब बताओ कि अब sp2 हो गया, एक बॉन्ड चला गया, तो अब sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर। अब ये बताओ कि अब यह एक प्लेन में हो गया, क्या एक कॉपी के सरफेस पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बोलो जरा, कॉपी की सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं। अब जब कॉपी की सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो यह कौन है? यह है खली महाराज। इनकी मर्जी चाहे कॉपी के ऊपर से आ जाए, चाहे कॉपी के नीचे से आ जाए, इनको कोई रोक सकता है? नो सर, नहीं रोक सकता है।
SN1 में दो प्रोडक्ट बनता है, चाहे वह कॉपी के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, कॉपी के नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर मान लो कॉपी के ऊपर से अटैक किया तो क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा? मान लो कि यह बिलो द प्लेन अटैक किया तो ऐसे बनेगा, और मान लो एवब द प्लेन अटैक किया तो यही क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 50-50% दोनों का चांसेस है क्या, चाहे वो ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से अटैक करे? कोई रोकने वाला है उसको? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो ध्यान से देखो, 50% यह बनेगा और 50% यह बनेगा। मान लो एक आर बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? एस बनेगा। जब दोनों 50-50% बनेंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सर। क्या आपने ये, क्या आपको मैंने ये बताया था क्या रेसमिक मिक्सर क्या होता है, जिसमें लीवो और डेस्ट्रो दोनों होते हैं? 50-50% अगर मान लो एक आर है दूसरा एस है, तो दोनों एक दूसरे के इनेंसियोमर होंगे क्या? यस सर, होंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बता दो। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह कब का क्वेश्चन है? 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन इज मैक्सिमम। एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन इज मैक्सिमम। रेसमिक मिक्सर किसमें मैक्सिमम बनेगा? याद रखना, रेसमाइजेशन वही होता है जो कायरल कार्बन पे बनता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला दिया हुआ है CH3 C, यहाँ पे pH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है? Br है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, CH3 C, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे pH है, और यहाँ पे क्या है? Br है। तीसरा ऑप्शन देखो, CH3 C CH3 H, और यहाँ पे क्या है? Br है। और चौथा ऑप्शन देखो, pH और Br है। अब जरा बताओ आप लोग, जरा बताओ कि एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन किस में ज्यादा होगा? ऑप्शन बी सर। कैसे ऑप्शन बी सर? वही है, कायरल कंपाउंड है यहाँ पे, बाकी सब नहीं है। बिल्कुल सही बात बोला, ऑप्शन बी में ही क्या है? कायरल कंपाउंड है। ऑप्शन बी में क्या है? कायरल कंपाउंड है। अगर मान लो कि यह निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव बनाएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ऊपर से अटैक कर सकता है चाहे नीचे से अटैक कर सकता है। हाँ, तो अब इसमें अगर मानो पहले वाले में भी अगर बना देगा, यह CH3 CH3 दोनों सेम है क्या? क्या यह कायरल कार्बन बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें भी, तीसरे वाले में भी नहीं बनेगा, और चौथे वाले में भी नहीं बनेगा। तो अगर रेसमाइजेशन की बात किया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। लेकिन अगर पूछ देता कि सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन कौन देगा, सबसे अच्छा SN1 रिएक्शन, अब बता दो। फोर्थ वाला सबसे परफेक्ट जवाब है, एकदम परफेक्ट। पूछो क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर हमारे पास पहले वाले में ये ब्रोमीन निकालोगे तो क्या यहाँ पे प्लस बनेगा? दूसरे वाले में ब्रोमीन निकालोगे तो यहाँ पे प्लस बनेगा, तीसरे वाले में ब्रोमीन निकालोगे तो यहाँ पे प्लस बनेगा, और चौथे वाले में ब्रोमीन निकालोगे तो यहाँ पे प्लस बनेगा। जिसका प्लस ज्यादा स्टेबल SN1 वहीं पे होगा ना? बोलो जरा। यस सर। अगर फोर्थ वाले में देखोगे ना तो तीन फेनिल ग्रुप जुड़े हुए, तो काफी ज्यादा रेजोनेंस होगा उसमें। यस सर। क्या कोई और ऐसा है जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होता? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ के बाद बताओ कौन होगा?
फोर्थ के बाद बताओ कौन होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन अरे फोर्थ मतलब या डी है, सबसे पहले सबसे ज्यादा डी होगा फिर बी होगा। बी इसलिए होगा क्योंकि इसके पास एक पीएच ग्रुप है और एक C2H5 और एक CH3 है। यस सर। समझे। उसके बाद आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा ऑप्शन ए क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, पीएच तो है ही, पीएच ऑप्शन बी में भी है और यहाँ पे CH3 है, CH3 है लेकिन इसमें क्या है, एक CH3 एक C2H5 है, CH3 से ज्यादा C2H5 इलेक्ट्रॉन देता है। समझे क्या? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद कौन आएगा? यस सर। सी। सी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जरा। हाँ सर। 2024 का क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ऑर्गेनिक कैसा है आप लोग के लिए जरा बताओ एक बार। सर मस्त है। बेकार लग रहा है। बेकार नहीं है। बोरिंग अजीब सा। अरे बोरिंग मत बोलो, जब तक एग्जाम नहीं क्लियर होता तब तक क्या करना है, इसको अच्छा बोलना है, दिमाग लगाना है, अच्छा बोलना है। चलो मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या बताऊं सर, इसमें इतने सारे रिफ्लेक्शन लगाया फिर याद नहीं रहता हो और फिर ये बताओ इसको याद करना है आपको या फिर कॉन्सेप्ट याद करना है? सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझना है और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट होगा। ऑर्गेनिक बुरा मान जाएगा, ऑर्गेनिक को बुरा नहीं मानना है। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है भले ही से अच्छा नहीं दिखता हो आप उसको बोल सकते हो कि तुम अच्छे नहीं हो। नो no, सर नहीं बोल सकते। तारीफ करते हो देगा। तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन जब तक आपका इससे मतलब है तब तक मक्खन लगाना, तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, समझे आप लोग? तो क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं अगर ऑर्गेनिक एक बार आप लोग को समझ आ गया ना तो सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक होता है, ज्यादा मार्क्स आते हैं इसमें। हाँ सुरेंद्र सबको अच्छा लगना चाहिए। वैशाली आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हो या चले गए? भावना यस सर समझ आ रहा है? यस सर। कशिश यस सर। क्या हुआ इतनी आवाजें कम क्यों आ रही है आप लोग की ऑर्गेनिक से? राज सर ने सब क्वेश्चन बताया था आप लोग को? ये सब क्वेश्चन बताया था राज सर ने आपको एसएन वन में? नो सर। ये सब क्वेश्चन 24 के हैं। ठीक है, मैंने ना ऑर्गेनिक से अपना एमएससी किया हुआ है NIT वाराणसी से। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, समझ रहे हो ना? कमी होगी फिर तो। अब पता चला ना, जिसको आप लोग नफरत कर रहे हो ना उससे मैंने प्यार किया था अच्छे से ऑर्गेनिक, तो आप लोग नफरत मत करो। हाँ मेरी पसंद है तो मेरी पसंद को आप लोग अपनी पसंद भी बनाओ। ठीक है, मैं तो चाह के भी नहीं छोड़ सकता इसको क्योंकि मेरे डिग्री में है ये। आप लोग का फिर भी कहीं कॉलेज में अच्छा हो जाए तो आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता, मुझे हमेशा लाइफ टाइम तक इसके साथ रहना है, ऑर्गेनिक के साथ। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। तो घबराओ मत आप लोग, इसके साथ रहो, इसके साथ पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए? यस सर। यस सर। आओ आ जाओ आ जाओ, एक्सरसाइज करो। SN1 रिएक्शन के क्वेश्चन है, अभी तो यार हमने पूरा कुछ पढ़ा भी नहीं। चलो बताओ SN1 रिएक्शन में कार्बो क्या बनता है इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, कल पूरा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आएगा। इसमें से जरा बताना कौन ऐसा रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है?
बताओ जरा कौन ऐसा रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहली बात जिसमें निकलने की कैपेसिटी होगी वही सब्स्टिट्यूशन आएगा। अब ये बताओ OH माइनस इस पे आएगा, इसको धक्का मार देगा, थर्ड वाला होगा ना? यस सर। चलो जरा इसमें बताओ आप लोग, पहले वाले का ऑप्शन बताओ। सर फर्स्ट वाला। पहली बात है इसमें से ध्यान देखो, हमारे पास CH3 है, I है और कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको हटा देगा, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा CH3 से जुड़ जाएगा। तो आप बताओ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन होगा ना? क्या इसमें कहीं पाई बॉन्ड बनता है, ये जरा बताना, क्या कहीं पाई बॉन्ड बनता है? नहीं बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है, कहीं भी पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, सुन सीजी जी आते हैं, पता नहीं क्या। ये जरा बताना विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1। पहली बात देखो एथिल क्लोराइड में लिखता हूं, एथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3 CH2 क्लोरीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड बोलेंगे। दूसरा देखो विनाइल क्लोराइड दिया, विनाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला, अगर SP2 कार्बन से कोई भी क्लोरीन जुड़ा हो तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल बोलेंगे। अगर मानो कुछ ऐसा होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एलाइल बोलते ना, एलाइल बोलते। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? विनाइल बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन देखो बेंजिल क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है? बेंजिल क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजिल क्लोराइड को ऐसे बोलेंगे। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड को ऐसे बोलेंगे। और चौथे वाले को बताओ, चौथा वाला है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब ये बताओ कौन ऐसा जो है जो हमारे पास SN1 रिएक्शन देगा? क्या अब ये बताओ, फर्स्ट वाला निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे, सेकंड वाले के पास इस पे बनेगा कार्बोकेटायन, थर्ड वाले के पास इस पे बनेगा, फोर्थ वाले के पास इस पे बनेगा। अगर हम सेकंड वाला देखें ना, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला SP2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता है, यह हाईली अनस्टेबल होगा, तो यह तो न ही SN2 देगा और न ही SN1 देगा, और यह भी बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यह भी क्या होगा? यह भी नहीं देगा। अब देखो दे कौन सकता है, एक तो पहला भी दे सकता है और तीसरा वाला भी दे सकता है, लेकिन जो तीसरा वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज बनेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल। तो तीसरे वाले में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? रेजोनेंस की वजह से। तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? SN1 देगा। अगर वही हमसे SN2 पूछता तो पहला वाला, क्योंकि SN2 को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो छठा बता दो, छठा बता दो। अरे छठा वाला रेसमाइजेशन होता है ना, रेसमिक मिक्सर बनता है ना, अभी तो ये आप लोग नहीं कर पाओगे। चलो इसका जरा बताओ, नाइन्थ वाला बताओ। अरे नाइन्थ वाला, यह न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे धक्का दिया, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, बोलो। यस सर। सोचा करो आप लोग, कहाँ गलतियां कर रहे हो, इसका भी छोड़ो आप लोग।
इसका भी अभी छोड़ो, अभी ये बताएंगे इसका, जरा बताओ 13 का। सभी के सभी पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात एल्किल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। मान लो कि हमारे पास एलाइल है और मान लो कुछ और है, तो बेंजीन पे जाएगा तो देगा ही नहीं, तो इस पे भी ग्रुप पे डिपेंड करेगा। हैलोजन पे भी डिपेंड करेगा कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, फ्लोरीन है या फिर आयोडीन है। एल्किल ग्रुप और हैलोजन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो क्या होगा, नेचर ऑफ बोथ एल्किल ग्रुप एंड हैलोजन, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। ये जरा बताना 15 वाला, ज्यादा नंबर बताना 15 वाला क्या होगा। देखो पहली बात तो इसमें कार्बो एनायन बनता नहीं है, कार्बो कैटायन बनता है, तो यह वाला तो गलत है। लॉन्गर कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यह भी गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट, यह भी गलत है। पता है क्या होता है, एरिल हैलाइड का मतलब यह है ना कि बेंजीन रिंग पे कोई भी अगर हमारे पास एक्स ग्रुप जुड़ा हो तो इसी को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, उसी से हैलोजन अटैच होता है, इसलिए क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, नहीं SN1 देता है, नहीं SN2 देता है। क्या मेरी बातें क्लियर हुई क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग इतना? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टाइप का, ठीक है? तो देखो ऑर्गेनिक को आप लोग मजाक मत बनाना, ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक को आप लोग मजाक मत बनाना, ठीक है? क्लियर मेरी बात है? यस सर। यस सर। एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ये PDF आप लोग के ग्रुप में शेयर कर दूं, फिर उसके बाद आप लोग चले जाना। सर गाना नहीं आ रहा क्या? एक बार रुक जाओ। यस सर। एक बार रुक जाओ, जरा मैं ये शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। कौन सा ग्रुप था आपका? ड्रीम DCP। ऑर्गेनिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑर्गेनिक से आप लोग पीछे मत भागना, आप लोग ध्यान से देखना, जरूर आएगा और डायरेक्टली मार्क्स देता है। सक्षम नहीं, ड्रीम हो गया सक्षम। सक्षम हो गया। सक्षम के बाद कौन से बच्चे आते हैं? HP वाले, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या होता है, क्या होता है, पूरा नाम बताओ। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन कौन है हिमाचल प्रदेश से? चलो